अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मत जामी है। मेरा पैगाम आप सबके नाम है कि स्मोक से अगर आपने बचना है तो ये आपके अपने हाथों में है। लाहौर पोल्यूटेड तरीन शहरों में शुमार होता है। जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ही फसलों को आग लगाई जाती है, जैसे ही कूड़ा करकट को आग लगाई जाती है, और जैसे ही बेहंगम ट्रैफिक की वजह से जो धुआं उठता है खराब और नकारा गाड़ियों की वजह से, तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान उस कदर पोल्यूशन नहीं देता जितना वो उससे मुतासिर है। क्लाइमेट चेंज हो रही है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आने वाले दिनों में हमें स्मोक का चैलेंज होगा, जिससे निमटना हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हम सबकी भी मुश्तरक जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में दो तीन आपकी खिदमत में गुजारिशात हैं। एक तो ये कि अपनी गाड़ियों और मोटर बाइक से निकलते हुए धुएं का हल निकाल लें, इसकी मुरम्मत करवाएं, इंजन चेक करवाएं, मैकेनिक के पास ले जाएं, और जो घरों का कूड़ा करकट है उसे हरगिज ना जलाएं, क्योंकि इससे पोल्यूशन फैलती है, स्मोग में इजाफा होता है, और जो फसलों की बाकियात हैं उन्हें भी हरगिज ना जलाएं। और अगर आप शहर में अपने आसपास कहीं देखें कुछ ऐसी व्हीकल्स हैं जो बेहंगम ट्रैफिक में बेपनाह धुआं छोड़ रही हैं, तो फौरन 1373 ये हेल्पलाइन है, यहां इत्तला करें ताकि मुतलका महकमे उस गाड़ी को ट्रेस कर सकें, क्योंकि ये मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। हमें साफ सुथरी फिजा में सांस लेने का हक हासिल होना चाहिए, और वह तभी होगा जब हम मिलके अपनी फिजा को साफ बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।